हेलो बच्चों, क्लास फोर मैथमेटिक्स चैप्टर फोर सब्ट्रैक्शन पार्ट फाइव। आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों दे रखा है, तो जिस ऑर्डर में दे रखा है हम उसी ऑर्डर में उसे सॉल्व करते हैं। मतलब पहले अगर एडिशन है तो पहले वो कर लेंगे, और अगर पहले सब्ट्रैक्शन है तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। द ऑर्डर इन विच द क्वेश्चन इज गिवन इन द सेम ऑर्डर वी हैव टू सॉल्व। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। पहला है 7961 प्लस 8322 माइनस 4511। तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है 7961 प्लस 8322। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, और जो कोई भी आंसर आएगा उस आंसर में से हम 4511 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करना शुरू करते हैं। 7961 प्लस 8322। विल स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। फिर अगले कॉलम में 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। फिर उसके आगे वाले कॉलम में 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो हमने 2 लिखा और 1 कैरी ओवर चला जाएगा अगले कॉलम में। अब यहाँ पर 7, 8 और इस कैरी 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो मैंने 6 लिखा और 1 अगले कॉलम में चला गया। तो आंसर हमें मिलता है 16,283। अब इस नंबर में से हमें 4,511 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिख लेते हैं 16,283 माइनस 4,511। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं वंस प्लेस से। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अगले कॉलम में 2 माइनस 5 तो हम नहीं कर सकते, तो हम 6 में से एक नंबर यहाँ बोरो करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 12। और हम 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7। और 6 में से ऑलरेडी 1 बोरो हो चुका तो यहाँ बचा है 5। और 5 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। और उसके अगले कॉलम में ऑलरेडी यहाँ सिर्फ 1 ही है तो यहाँ 1 बचेगा। सो The answer we are getting is 11,772. मतलब 7,961 प्लस 8,322 माइनस 4,511. द आंसर इज 11,772. बी पार्ट में हमारे पास है 93,612 माइनस 15,123 प्लस 4,869। पहले माइनस दे रखा है तो पहले हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 93,612 माइनस 15,123। अब इसमें भी हम वंस प्लेस से सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर वंस प्लेस में हमें 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 छोटा है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, तो हम एक नंबर बोरो करेंगे। जब हम 1 में से यहाँ पर एक नंबर बोरो कर लेंगे तो यहाँ बनेगा 12। 12 माइनस 3 वी गेट 9। अब अगले 1 में से ऑलरेडी 1 बोरो हो चुका तो यहाँ 0 बचता है। 0 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम एक और 1 बोरो करेंगे तो यहाँ बनेगा 10। 10 माइनस 2 इज 8।
अब 6 में से 1 बोरो हो चुका तो यहाँ बचा 5, 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 4। अगले कॉलम में फिर से 3 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते क्योंकि 3 छोटा है, तो हमें वहां पर 1 बोरो करना पड़ेगा। जब हम 1 बोरो करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 13, और जब हम 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें मिलता है 8। अब यहाँ पर अगले कॉलम में 9 में से 1 बोरो चला गया तो यहाँ बचता है 8। अब 8 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें मिलता है 7। सो आवर आंसर इज 78489। अब 78489 में हमें ऐड करना है 4869, तो हम लिख लेंगे 78489 प्लस 4869। इसमें भी हम एडिशन वंस प्लेस से शुरू करते हैं, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर चला जाएगा। अब इस कॉलम में 8, 6 और ये कैरी 1 ऐड होगा तो हमें मिलेगा 15, तो हमने 5 लिखा और 1 अगले कॉलम में कैरी ओवर चला गया। अब इस कॉलम में 4, 8 और ये कैरी 1 ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 13, तो हमने 3 लिखा और 1 अगले कॉलम में कैरी ओवर चला गया। अब इस अगले कॉलम में फिर से 8, 4 और कैरी ओवर 1 ऐड होकर हमें 13 मिलेगा, हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर चला जाएगा। अब इस अगले कॉलम में 7 और ये कैरी ओवर वाला 1 ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 8, तो हमें आंसर मिला 83358। दैट मींस 93612 माइनस 15123 प्लस 4869 इज इक्वल टू 83,358। सी में हमारे पास है 39,745 प्लस 48,394 माइनस 134। तो यहाँ पे पहले प्लस करेंगे हम 39,745 प्लस 48,394। वंस प्लेस से एडिशन शुरू करते हैं, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अगले कॉलम में 9 प्लस 4 वी गेट 13, तो हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर अगले कॉलम में चला जाएगा। अब यहाँ पर 7, 3 और ये कैरी 1 ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 11, तो हम 1 लिखेंगे और 1 अगले कॉलम में कैरी ओवर चला जाएगा। यहाँ पर 9, 8 और ये कैरी 1 ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 18, तो हम 18 में से 8 यहाँ लिखेंगे और 1 अगले कॉलम में कैरी ओवर चला जाएगा। अब यहाँ पर 3, 4 और ये कैरी 1, ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 8। तो आपको आंसर मिलता है 88,139। अब 88,139 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 134। वंस प्लेस से शुरू करते हैं, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अगले कॉलम में 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसके अगले कॉलम में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद 8 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 8 में से कुछ नहीं गया, मतलब 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 8। इसके अगले कॉलम में भी हमें मिलता है 8, तो आपको आंसर मिला 88,005। तो हम लिखेंगे 39,745 प्लस 48,394 माइनस
134 is equal to 88,005. डी पार्ट में हमारे पास है 35,215 + 49,633 - 21,145. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ 35,215 and 49,633. तो जब हम एडिशन करते हैं वंस प्लेस से शुरू करते हैं 5 + 3 = 8 1 + 3 = 4 2 + 6 = 8 5 + 9 = 14 तो हम 4 लिखेंगे और 1 अगले कॉलम में कैरी ओवर चला जाएगा। अब यहाँ पर 3 4 और ये कैरी 1 ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 8। तो हमें आंसर मिला 84,848। अब 84,848 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 21,145। तो हम लिख लेते हैं 84,848 - 21,145। इसमें भी हम वंस प्लेस से सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं 8 - 5 = 3 4 - 4 = 0 8 - 1 = 7 4 - 1 = 3 and 8 - 2 = 6। तो हमें आंसर मिला 63,703। So you will write 35,215 + 49,633 - 21,145 = 63,703। So यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। Until then, bye.